हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आवर डेली कैनवस। हम निकल रहे हैं आज चिक्का कोल्हापुर, जहाँ पे इशा फाउंडेशन है। जैसे कि आपको मालूम होगा, हमने पहले भी प्लान बनाया था हमारे एनिवर्सरी के दिन, लेकिन वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें वापस आना पड़ा था। हम मतलब बस 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बाकी था, वहां से रिटर्न हो चुके थे। लेकिन तब से प्लान ही बनी रहा है और फाइनली आज हम निकल रहे हैं। भगवान शिव की कृपा रहे तो हम जाके उनको देख लेंगे आज। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको वहां जाके मिलते हैं। और हाँ, आपके लिए एक सरप्राइज भी है जो आपको दिख जाएगा, ठीक है? तो हमारे साथ बने रहिए, आपसे मिलते हैं जल्द। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया है कि आज हम लोग जा रहे हैं चिक्का कोल्हापुर बैंगलोर के लिए, जहाँ पे ईसा फाउंडेशन है। अब जैसे कि आप में से सबको पता है कि ईसा फाउंडेशन जो ये सेकंड है जो बैंगलोर में बनाया गया है। फर्स्ट जो है जिसे आदियोगी के नाम से भी जाना जाता है, वो है कोयम्बतूर तमिलनाडु में है, और ये एग्जैक्ट ऐसा ही बनाया गया है बैंगलोर में। तो आज हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो प्लानिंग तो बहुत पहले से कर रहे हैं, तो देखते हैं होपफुली आज वो प्लानिंग हमारा पूरा हो। बैंगलोर से चिक्का कोल्हापुर पड़ता है लगभग 70 किलोमीटर, तो हम लोगों को 2 से 2.5 घंटा लग सकता है। और बीच में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, तो बने रहिएगा। तो गाइस, हम आ गए हैं अभी बानसवाड़ी। बानसवाड़ी में हमारा एक फ्रेंड रहता है, हमारा मतलब मेरा फ्रेंड रहता है। ये मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है, मैं कॉलेज टाइम से इसका दोस्त हूँ, दोनों एक दूसरे के दोस्त है बाय द वे। तो सुबह उसने कॉल किया था कि वो विजिट करना चाहता है हमको, तो मैंने बोला कि हम शाम को जा रहे हैं आदियोगी में, तुम भी ज्वाइन कर लो। तो वो भी अभी ज्वाइन करेगा, वो अपने वाइफ के साथ ही हमको ज्वाइन करेगा। मैं आगे पहुंच चुका हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि जहां पे हमको मिलना था वहां पे मैं गाड़ी रोक नहीं पाया, क्योंकि वहां पे बहुत ट्रैफिक हो रखा था। तो मैं थोड़ा सामने आ गया हूं, तो दे विल बी वॉकिंग हियर, थोड़ा 5-10 मिनट्स लगेगा उनको यहां पे चल के आने। तो मिलेंगे उनसे अभी, फटाफट देखते हैं। तो गाइस देखिए, वो लोग आ रहे हैं। हेलो, हमारा तो ब्लॉग चल रहा है ना गोय, हमारा ब्लॉग चलता है मालूम नहीं। बारह खुलिया, बारह घट। तो ये है आमिर, मेरा फ्रेंड, और ये उनकी वाइफ, मेरी भाभी, ये मेरी बीवी, और ये मेरा बच्चा। सबसे मिलिए, घट लो घट लो। चलो तो हम अभी निकलते हैं, लेट हो जाएगा। नहीं So guys, this is the toll gate and you can see the traffic. We are not sure when we will reach. हमारे तरह लोग भी शायद आदियोगी देखने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। संडे है आज। And this is the main highway to airport. See how does it looks like? It's very awesome and the weather is very good today. बहुत सुंदर weather है। Luckily weather अच्छा है यार। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या मस्त highway है भाई। Bye bye. Oh bye bye. This is my family. My bhabhi and she is my missus, my wife, and he is my brother. And where is that Chotu? Bye bye. And he is busy eating something. He is hungry so. Welcome to his channel. Welcome to Kids channel. She is my bhabhi, and actually she started vlog, and yeah, it's very like you can go to her channel and you can watch the vlogs, everything, the videos and all. बहुत अच्छा videos है उसका, और please do support करना उसका.
हम लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं, 15 मिनट बाकी है, रास्ते पे हैं। और भैया थोड़ा बाहर गए हैं कुछ सामान लेने, उनको भी भूख लगी थी तो उसका ही वेट कर रहे हैं। तो वो आते ही हम लोग जाएंगे। अंकल आके बैठेंगे ना बेटा। बेसिकली हम कार से उतर गए हैं, पैदल चलेंगे अभी। इतनी ट्रैफिक हो रखी है यहाँ पे, देखिए ट्रैफिक हो रखी है यहाँ पे। गाड़ी से पहले पैदल पैदल चल के पहुँच जाएंगे हम। मैं आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ एक मिनट, ये देखिए बहुत ट्रैफिक है, बहुत मतलब इसी एरिया में हमारा 40 मिनट हो गया। ये लगता है हम लोग हमेशा गलत देर में ही निकलते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, शायद हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे अच्छे से। बाबा अभी तुम वॉक करोगे ना, कल तक नहीं पहुंचेंगे वहां पे। पहुंच जाते हैं फिर वॉक करेंगे। हाँ कैसे हम पहुँचने वाले हैं, मुझे तो टेंशन हो रहा था कि 7 बजे का जो दर्शन है वो पहुँच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हम ऑलमोस्ट पहुंच जा रहे हैं, 7 के ऊपर बज चुका है बाय द वे, लेकिन दर्शन चल रहा है। हम अभी बाबा क्या कर रहे हो, हाँ हेलो बोलो। हाँ ओके पास ही है। बाबा को मैं पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि अभी वो स्लो चलता है, हमें पहुंचना जल्दी है। लेकिन जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ मुझे लगता है मैं पहुँच ही जाऊँगा। अभी बस 500 मीटर बाकी है। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे पहुँचे ही थे कि लाइट शो ख़त्म हो गया है। मुझे यहाँ से दिख रहे हैं महादेव बाबा, लेकिन किस्मत ही ख़राब है हमारी। ये दूसरी बार हमने ट्राई किया है फिर भी हुआ नहीं हमारा दर्शन। पता नहीं, लगता है थोड़े नाराज़ है भगवान हमसे। मैं तीसरी बार फिर ट्राई करूँगा तो देखते हैं। फिर भी भगवान का दर्शन करके जाएंगे हम। लाइट शो देख पाए कि ना पाए वो अलग बात है, लेकिन आज भगवान का दर्शन तो हो ही जाएगा। और ये लोग देखो अभी आ रहे हैं चल चल के, अभी आके पहुंच रहे हैं। तो गाइस ये रहे आदि योगी महादेव बाबा। वैसे दर्शन तो हो गया, बहुत खुश हूँ मैं। लास्ट टाइम तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचे थे हम, इस बार थोड़ा देर की थोड़ी के लिए। मैं देखो मेरा जुबान भी लड़खड़ाने लगा है, इतना थक गया हूँ मैं। कह रहा था थोड़े से मौके के लिए हमने वो लाइटिंग शो मिस कर दिया, लेकिन ये दर्शन भी बहुत काफ़ी है। बहुत ही पीसफुल लग रहे हैं यहाँ। तो देखो कुछ लोग हैं अभी भी, वैसे 8 बज चुका है, क्लोज होने का टाइम हो चुका है, बंद हो चुका है टेक्निकली, बस कुछ लोग अभी भी खड़े हैं यहाँ पे भगवान को देख रहे हैं। ओ भगवान मैं थक गया रे, कम से कम 3 किलोमीटर मैं बच्चे को लेके चलाऊँ, इसको छोड़ भी नहीं सकता। इसको छोड़ता तब तक ये भी नहीं दिखता हमको शायद। वाह वो देखिए, आज के दिन इतना ट्रैफिक था, शायद कल छुट्टी है इसलिए ट्रैफिक हो रखा है। बहुत ट्रैफिक था, बहुत। आते बहुत लेट हो गया गाइस, और बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। हम लोगों को एक सीख तो मिल गई अच्छे से कि वीकेंड में कभी भी यहाँ पे आने की प्लान मतलब गलती से भी नहीं करना है। आगे से कभी भी अगर आना है तो वीकडेज के अंदर ही आना है। हम अभी सोच रहे कि निकल जाएं, लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है और 8:30-9 बजने वाला है।
घर जाते जाते शायद 12 भी बज जाएगा, तो बेस्ट रहेगा कि हम अभी निकल जाएं। स्पेशली जो बेंगलोर में रहते हैं अब तक विजिट नहीं किया है, तो उन लोगों को बोलना चाहते हो अगर यहाँ पे आना है तो पहले से प्लान करके मतलब जल्दी घर से निकलिएगा, ये 7 बजे का शो होता है। बहुत तेज बारिश हो रही है गाइस, हम लोग निकलने वाले थे बारिश हो गई, आप लोगों को भाई बोल चुके थे हम, लेकिन बारिश हो गई तो फंस गए। अभी मैं भीग चुका हूँ, बाबाई शायद आधा भीग चुका है, ये देखिए गीत को ये पूरा भीग चुकी है।